मौजूद है, ये इत्तेफाक है और कि उन्होंने और हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने मेरे फर्स्ट प्रोग्राम में आना स्वीकार किया। आपका बहुत शुक्रिया और आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम में। तो विधिवत हम लोग इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। हमारे गेस्ट हमारे सामने आ गए और अभी ऐसी बात है कि हमारे यहाँ कई वेबिनार और कई प्रैक्टिकल्स चल रहे थे, इसलिए एक बजे का टाइम रखा गया। एक वेबिनार इग्नू में जस्ट ख़त्म होने को है, तो वो लोग सारे हमारे जो टीचर हैं वो आ जाएंगे हमारे पास। ये गाथा अमृत उनकी, जिनके विजय रथ का मैं गुणगान कर रहा हूँ। देश की रक्षा को कारगिल की धरती पर शहीद हो गए थे जो, GD कॉलेज के इस धरती से उनको प्रणाम कर रहा हूँ। कारगिल की ऊंची पहाड़ियों से हो रहा था युद्ध का शंखनाद था, जो धरती प्रकृति की सुंदरता को समेटे बैठी थी। बारूद गोलियों और तोपों से मच रहा वहां चित्कार था, लहूलुहान घायल हो रहे थे सैनिक, कई औरतों का घर हो रहा बर्बाद था। मन में बस एक ही तमन्ना और प्रतिज्ञा के साथ लड़ रहे थे, वीर नहीं होने देंगे कुछ भी भारत माता को, क्योंकि हमारा देश है, हमारा देश आजाद था और हमारा देश आजाद रहेगा। 26 जुलाई 1999, एक ऐसा यादगार दिन जो देश के गौरवशाली इतिहास में ऑपरेशन विजय की एक अजर अमर जीत का स्वर्णिम अध्याय जोड़ा गया। महाविजय की वो पावन पुनीत घड़ियां जब हर भारतीय का राष्ट्र प्रेम अपने उफान पर था, मानो कई वर्षों प्रतिफल संघर्ष का इतिहास हर कोना, हर घड़ी, हर गली, हर घर माँ भारती के जयकार से गुंजायमान था। डंकार सुन, हुंकार सुन, इस जीत का जयकार सुन, संग्राम का परिणाम देख, प्रतिफल प्रचंड पैगाम देख। मैं सज्जन मिश्रा आप लोगों के सामने इस समारोह की शुरुआत के साथ चाहूँगा कि अब हम लोग इस कार्यक्रम का शुरुआत एक NSS सॉन्ग से। जगेश्वर आपके लिए जगे जगे, स्वयं सजेव सुंदरा सवार दे, स्वयं सजेव सुंदरा सवार दे। देव के गजब हमारे संग साथियों, हम बढ़े बढ़ बढ़ेंगे अपने आप साथियों। सभी प्रयास मान को उतार दे, सभी प्रयास मान को उतार दे, स्वयं सजीव सुंदरा सवार दे, स्वयं सजीव सुंदरा सवार दे। अतिथि का स्वागत किया। अभी जो हमारे अतिथिगण आए हैं उनको मैं बताते चलूं कि अभी हमारे बीच
हमारे आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि प्रवीण कुमार सर, जो कि बरौनी के हैं, और लेकिन समस्त बेगूसराय जिले का जिस प्रकार से इन्होंने नाम रोशन किया है वह वाकई में काबिले तारीफ। झारखंड के पलामू में विशेष ऑपरेशन के दौरान अपनी जान की बाजी लगा के नक्सल कमांडर को मार गिराने के उपलक्ष्य में राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित है। इनके लिए एक बार जोरदार तालियां। बहुत सारे प्रोग्राम, सफाई का कार्यक्रम, अन्य कार्यक्रम महाविद्यालय में होते रहता है, जिसमें छात्रों के द्वारा भी महाविद्यालय जो सफाई और अन्य कार्यों में प्रगति दिख रही है, उसमें NSS की भी भूमिका अहम है। अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, खासकर अपने छात्रों के लिए, प्रगति जिंदगी है अगति मृत्यु जानो, प्रगति जिंदगी है अगति मृत्यु जानो, उठाओ विजय का निशान, जवानों देखो आया छिजित पर बिहस्ता अभियान। धन्यवाद। If death strikes before I prove my blood, I swear I shall kill them. That's the spirit of our Indian heroes that made them winner in the Kargil war in 1999. A very warm good morning to all of you present here. Today we are all here to celebrate the Kargil Vijay Diwas, to honor our Kargil heroes. The Kargil Vijay Diwas is celebrated all over the country to commemorate the victory of our Indian soldiers and the Pakistani troops. बहुत पहले हमने कमलेश सर से सुना था कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, तो आज उनसे मैं ट्रांसफ़र कर खुद पे कर ले रही हूँ कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। अगर ये हमारे पत्रकार हमारे साथ न रहे, इनका कलम, इनकी मीडिया, इनका मोबाइल हमारे साथ न रहे, तो हमारा कोई भी प्रोग्राम सफल नहीं हो पाएगा। तो हमने और NSS के बच्चों ने एक छोटी सी कोशिश की है इनको सम्मानित करने की, और इसी कड़ी में जो हमारे पास मौजूद हैं जो लोग, उसमें नबी आलम हैं, डॉक्टर कुंदन हैं और गौरव पाठक हैं। गौरव पाठक तो NSS के स्टूडेंट ही रह चुके हैं, और अब जब ये होता है कि अपने ही लगाए पौधे को आगे बढ़ता देखता है इंसान, तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। मुझे गौरव को देख के वैसा ही महसूस होता है। ये NSS के अपने कॉलेज के बहुत पुराने वॉलंटियर हैं। जब इनकी पहली KV स्टूडियो के साथ कोई स्पीच आई थी, तो हमने पूछा था ये अपना ही गौरव पाठक है ना, तो बोले चला कि हाँ ये अपना ही गौरव पाठक है। भारत ने हमेशा कड़ा संघर्ष किया और दुश्मनों को धूल चटाई है, और इसका एक ताजा उदाहरण हम लोग कारगिल युद्ध के रूप में देख रहे हैं, जो लगभग यह युद्ध मई 1919 से प्रारंभ हुआ और 26 जुलाई 1999 को खत्म हुआ। या यूं कहा जाए, इस युद्ध में लगभग हमें 60 दिनों का समय लगा। किसी नजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, किसी नजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, मेरी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूँ, मुझे छाती से अपने तू लगा लेना ए भारत माँ, मुझे छाती से अपने तू लगा लेना ए भारत माँ, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूँ। गुड आफ्टरनून एवरीवन, आई एम शाह, रिस्पेक्टेड चीफ गेस्ट, प्रिंसिपल सर, टीचर्स एंड माय डियर कलीग्स, Today I'm here to present a patriotic solo song. I hope like this you. Ah,
किले थे सर पे कफन, तुमको नमन, तुमको नमन। किस यार भेड़ियों से डर सकती, किस यार भेड़ियों से डर सकती, सिंहों की संतान नहीं, भरत वंश के इस पानी की है तुमको पहचान नहीं। अरे एटम बम बना करके तुम फिर से मद में भूल गए, 65 और 71 के युद्धों को शायद भूल गए। याद करो गाजी का बेड़ा झटके में ही डुबा दिया, याद करो जनरल न्याजी को दूध छठी का पिला दिया। याद करो 90,000 बंदी उन पाक जवानों को, याद करो शिमला समझौता भारत के एहसानों को। अब की जंग छिड़ी तो सुन लो, नाम निशान नहीं होगा, कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। थैंक यू एवरीवन बड़ी फॉर बीइंग हियर एंड गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम टू अस। दिस इज श्वेतांशु रंजना, पॉलिटिकल साइंस डिग्री 1 स्टूडेंट एंड अ पार्ट ऑफ एनएसएस यूनिट। टुडे ऑन 26 जुलाई 2021 वी आर हियर टू सेलिब्रेट 22nd एनिवर्सरी ऑफ आवर विक्ट्री इन इंडोमिटेबल वैल्यूर एंड द प्राइड ऑफ इंडिया दैट इज द कारगिल विजय दिवस। द रीजन बिहाइंड सेलिब्रेटिंग दिस डे आर द सेक्रीफाइसेज मेड बाय आवर ब्रेव हार्ट्स इन 1999 कारगिल वॉर। सभी सदस्यगण और हमारे प्यारे जवान साथियों, मैं प्रवीण कुमार 23/7/2021 को मुझे भारत के राष्ट्रपति के द्वारा एक वीरता पुरस्कार दिया गया। इस संदर्भ में मैं बहुत खुश हूं और मैं चाहूंगा मेरे यूथ अपनी पढ़ाई पूर्ण करके अच्छे से अच्छे रैंक में, ये कोई ज़रूरी नहीं कोई सेना में ही नौकरी करके कोई अच्छा काम कर सकता है, आप वैज्ञानिक बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे, जिसमें आपकी रुचि ज़्यादा है उस में आगे बढ़ के बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। जय हिंद। है तो दो ही बात समझनी चाहिए, या तो वो झूठ बोल रहा है या वह इंडियन आर्मी से। तो आगे बढ़ते हुए अब मैं बुलाना चाहूँगा हमारे एनएसएस वॉलंटियर आदित्य राज, वो आएंगे और अपने बात रखेंगे। कविता टूटी फूटी लाइनों में जो इस प्रकार है, जब सीमा में घुसा था पाकिस्तान, नियत उसकी हमारी जमीन हथियाना हत्या और बर्बादी थी, उनका साथ देने वालों की हकीकत देखो, जो साथ दे रहे थे वो कश्मीर में पनपे देशद्रोही नस्ल उनकी आतंकवादी थी। ऊंचाई वाले इलाकों से लड़ी गई थी कारगिल, भारतीय सेना का तेज और आक्रमण देख दहल गए थे दुश्मन के दिल, मनसा उनकी साफ नहीं, हम तो शांति के आदि थे, अट्टाहट से वो पीछे भाग रहे थे क्योंकि कदम ही हमारे राष्ट्रवादी थे। जो कारगिल विजय को केंद्रित करके उसको रेखांकित करके रखा हुआ है, उसके संदर्भ में आप ये जानें कि सेवा के कई तौर तरीके हैं। अगर कोई चिकित्सक है तो वह भी राष्ट्र की सेवा करता है, कोई व्यवसायी है तो वह भी राष्ट्र की सेवा करता है, कोई प्रशासक है तो वह भी राष्ट्र की सेवा करता है, कोई पत्रकार है, कोई शिक्षक है तो वह भी राष्ट्र की सेवा करता है। लेकिन अगर कोई सिपाही है, अगर कोई सेनापति है, यानी हमारे आर्म फोर्सेस से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति है, तो वह देश की सीधे सीधे सेवा करता है, उसमें कोई कतर ब्यौत नहीं होती है। अभी हमारे बीच कमलेश सर थे, अब मैं चाहूँगा कि हम लोगों के सीनियर एनएसएस में सीनियर वॉलंटियर रह चुके गौरव कुमार पाठक भैया, जो कि आज के वी स्टूडियो में न्यूज़ एंकर भी हैं, अब चाहूँगा कि गौरव भैया आएंगे और हम लोगों का कुछ मनोबल बढ़ाएंगे। जलास्थियां बारी बारी, जलास्थियां बारी बारी, चिटकाई जिसने चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर बिना किए गर्दन की मोल, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। आज जिन शहीद जवानों
की याद में आज संपूर्ण देश कारगिल विजय दिवस मना रहा है। हमारा यह महाविद्यालय परिवार उस शौर्य गाथा को यहाँ याद कर रहा है और मुझे भी गर्व हो रहा है कि कभी मैं भी इस विद्यालय परिवार का एक अहम सदस्य था और एनएसएस का वॉलंटियर था। एनएसएस राष्ट्रीय सेवा योजना, जिसका मूल मंत्र है आप तन मन धन से कर्म से देश की सेवा करें, और यह देश सेवा का संदेश देता हुआ आज का यह कार्यक्रम, मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि अपने मन में तिरंगा को लहराने दें। राष्ट्र की जो भक्ति है वह कर्म से होती है। जरूरी नहीं है कि हम भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद की तरह शहादत दें, जरूरी इस बात की है कि हम जो भी काम करते हैं पूरी ईमानदारी और निष्ठा सेवा भाव के साथ देश हित में करें। मैं कुछ पंक्तियां आप सबों से कहना चाहूंगा। मरना अगर परे तो मर जाएं हम खुशी से, मरना अगर परे तो मर जाएं हम खुशी से, निज देश के लिए छूटे लगन ना जी से, संकटों में चाहे बन जाएं हम भिखारी, संकटों में चाहे बन जाएं हम भिखारी, सिर पर मुसीबतें आ जाएं क्यों न सारी, हिम्मत कभी न हारे, हिम्मत कभी न हारे, बिजले न मन हमारा, छूटे स्वदेश के ही सेवा में तन मन धन हमारा, यही हमारा ध्येय होना चाहिए, यही सच्ची देशभक्ति है। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है मैं अकिंचन, माँ तुम्हारा ऋण बहुत है मैं अकिंचन, किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन, गान अर्पित प्राण अर्पित रक्त का कन कन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं, तुझे कुछ और भी दूं। तो आज का यह दिवस, इस दिवस पर मैं सभी शहीदों को अपनी ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं, और इन पंक्तियों से आप सबों से चाहूंगा कि पंक्ति आप सब हमेशा अपने जीवन में जीवंत बनाए रखें। देश से है प्यार तो, देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए, सिलसिला मेरे बाद ये, सिलसिला मेरे बाद ये आगे बढ़ना चाहिए, सिलसिला मेरे बाद ये आगे बढ़ना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का, और विशेषकर एनएसएस पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। हमारे बच्चों ने हमारे ही लिए कुछ गिफ्ट तैयार करके रखा था, जो मुझे अभी अचानक कहा कि मुझे देना है। मैं धन्यवाद ज्ञापन की पहली करी शुरुआत में मैं धन्यवाद देना चाहूँगा प्रधानाचार्य महोदय को। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले एक कार्यक्रम में वो लगातार बैठे रहे। एक प्रधानाचार्य को बहुत काम होता है मैं जानता हूँ, उसके बावजूद भी उन्होंने हमारी हौसला अफजाई के लिए समय निकाला, और उसके इमीडिएट बाद ऐसी ऐसे कार्यक्रम में फिर वो शांति से हम लोगों को सुन रहे हैं, हमारी हौसला को बढ़ा रहे हैं, प्रेरणा के स्रोत हैं। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। सर अगली करी प्रोफेसर कमलेश कुमार सर की, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था कि आप प्रेरणा देते हैं, आप एफर्ट्स लेते हैं, एफर्ट्स लेने के लिए प्रेरित करते हैं लोगों को कुछ न कुछ कार्यक्रम। एक दिन में एक प्रधान महाविद्यालय के प्रांगण में दो दो महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो गया, ये किसी प्रेरणा पीछे से जो प्रेरणा पुंज काम करते रहता है उस प्रेरणा के बदौलत ही संभव है, उस प्रेरणा का परिणाम आप लोग देख रहे हैं। और बाकी सर के बारे में, सर की विद्वता के बारे में छोटा मुंह बड़ी बात कहना होगा, मैं क्या बोलूँ सुनता रहा हूँ सर के बारे में, और सर हमारे प्रेरणा में बने रहें, मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। प्रथम तो उन्होंने मुझे परखा और मुझे मौका दिया उस काम के लिए जो मैंने कभी नहीं किया था, और दूसरा सर यहाँ उपस्थित होकर हम लोगों की हौसला अफजाई की, सर मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। अगली कड़ी हमारे वीर पुरुष
बहुत मुश्किल होता है ना जब आपके सामने कोई बंदूक लेके चल रहा हो और आपको लगता है कि ये डिस्ट्रॉयर है और इसे मार गिराना है। किसी ने अभी सच ही कहा था कि मौत से डर नहीं लगता, डर लगता है सबको। पठानकोट पर जब अटैक हुआ था आतंकवादी का, सेम चीज हमने देखा। हम लोग 6 आदमी एक जगह बैठे हैं और जो 4 में से 1 फायरिंग करता हुआ यूं मौत यहाँ से निकली है। अगर हमने हरकत की होती जब तक हम लोग बोल्ट करते तब तक वो तो मार देता, क्योंकि उसकी गोली तो चल चुन रही थी। हमें बोल्ट करना पड़ता, मौत से डर लगता है, टैक्टफुल भी रहना पड़ता है, रणनीति बनानी पड़ती है। आगे जाके वो पकड़ा गया, मारा गया, उस समय अगर हम हरकत करते तो हमारे देश के 6 और जवान मर जाते, बेवजह मर जाते। तो हमारे वीर प्रवीण कुमार, मैं समझ सकता हूँ कितने मुश्किल घड़ी को झेला होगा उन्होंने, वो समझ उनके मन में बैठ गया होगा कि मैं अब मर गया। अपने परिवार अपने बच्चों को याद कर चुके होंगे जब वो फियर्स बैटल कर रहे होंगे और हमने फेस टू फेस फायरिंग कर रहे होंगे। मैं समझ सकता हूँ इस बात को, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, सैल्यूट करता हूँ तहे दिल से। अगली कड़ी सर अफरोज मैम, बड़ी बहन, ये सच ने बच्चों ने कहा कि ये तराशती हैं, सच में तराश और हमें भी तराश रही हैं, हमें भी बहुत मौका देती हैं। मैं आया था एक इतर फील्ड से आया था, एकेडमिक्स में आया, हर जगह मौका इन्होंने दिया मुझे। NSS हो, NCC हो, EBSB क्लब हो, जहाँ भी हो, मैं कितना काबिल हूँ मुझे पता नहीं, लेकिन मौका सर लोग देते रहते हैं। मैम ने हमेशा मौका दिया हमें, इवन लॉकडाउन में भी हमें इन्होंने मौका दिया कुछ बोलने का। मैं अच्छा वक्ता नहीं हूँ, फिर भी तराशने के क्रम में से ही मुझे मौका देती रही हैं और इतने बच्चों को इन्होंने प्रेरित किया है। और ये कार्यक्रम बहुत ही उत्साह के साथ ये कार्यक्रम इन्होंने आयोजन किया और छोटे छोटे बहुत कम समय में, किसी ने सच ही कहा था कि बहुत कम समय में प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर देती हैं और सक्सेस करती हैं। मैम आपकी प्रेरणा बनी रहे, आपकी ताकत हम लोगों के पीछे बनी रहे ताकि हम अच्छा काम इन लोगों के सहयोग से करते रहें। धन्यवाद ज्ञापन की अगली कड़ी प्रोफेसर अनिल कुमार सर, हर एक कार्यक्रम में अगली पंक्ति भावना के साथ, अच्छी भावना के साथ हमेशा रहते हैं। देशभक्ति से ओत प्रोत इनमें एक भूख आप देखेंगे, हमेशा मुखर रहते हैं। सर आपको धन्यवाद है। आगे कुंदन कुमार सर, क्या बोलूं कुंदन, सच में जिस चीज के लिए मैंने, कोई यूं ही कुंदन नहीं बनता है, इन्हीं के शब्दों में इनकी तारीफ में करना चाहूंगी, कोई यूं ही कुंदन नहीं बनता है। बहुत अगन है इस ज्वाला में, जलना कोई खेल नहीं, और जलने के बाद सोना जब जलता है तपता है तब कुंदन बनता है। तो कितनी ज्वाला इन्होंने सही होगी तब ये आज कुंदन है, और इस सच में कुंदन है। इतनी ऊर्जा, इतना ज्ञान, आप पेजेज लिखा हुआ इनको देखेंगे, इनका पढ़ेंगे, सब फॉरेन है, समय समय के साथ है, समय में जिस समय जो लिखना होता है वो है, सच के साथ है। सर आपने समय दिया, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। उषा किरण मैम मनोवैज्ञानिक, शांति से सुनती रहती हैं, कुछ ना कुछ जज करती रहती होंगी। इनका रोल SSB में जब ऑफिसर्स का जो सिलेक्शन होता है, मनोवैज्ञानिक का रोल बहुत इंपॉर्टेंट। पूरे 5 दिन के घटना में कुछ नहीं बोलते हैं वो लोग, लेकिन तय कर देते हैं कि देश के लिए कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। एक शब्द मैं 5 दिन रह के देखा हूँ देहरादून SSB में, एक शब्द इनका नहीं सुनेंगे, लेकिन ये तय कर देते हैं कि ये फिट है ये फिट नहीं है। इतनी शक्ति है इनमें। आप यहाँ आई मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे अब्दुल्ला सर, हमारे अपने उर्दू विषय के ज्ञाता, समयबद्ध, हर समय के साथ आना, बच्चों को प्रेरित करना, हर कार्यक्रम में अपनी शिरकत भी देते हैं, सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। अगली कड़ी हमारे स्वर्णिम भविष्य बच्चे, धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है, आप धन्यवाद के पात्र हैं ही। और इसी निष्ठा के साथ कॉलेज की निष्ठा बनाए रखिए, शिक्षकों का आदर करते रहिए, शिक्षा का महत्व समझते हुए, गलत संगतों से बचते हुए आप एक नए भारत के निर्माण में तन मन धन से लगे रहिए। जरूरी नहीं है कि सेना ही जाया जाए, सर ने बहुत अच्छा कहा, कहीं से भी हम जहां भी रहेंगे अगर हम मन लगा के कर रहे हैं तो राष्ट्रभक्ति ही है, देशभक्ति है, और देश को आगे बढ़ाने में उठाया गया हर एक कदम है। उसके बाद NSS स्वयंसेवक, हमेशा ऑन टोज, एक पैर पर खड़ा है, बायां दायां जिधर जाना इधर जाना उधर जाना, इनकी भूमिका कॉलेज के हर एक प्रोग्राम में बहुत रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैम ने बहुत अच्छा कहा, कमलेश सर कहते जंगल में मोर नाचा किसने देखा, हमारे पत्रकार महोदय
इनकी उपस्थिति के बगैर ये कार्यक्रम हुआ कौन जानेगा, कल पूरा बेगूसराय जानेगा। ये इनकी ताकत है। और बेगूसराय जब इंटीग्रेट होगा, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट कहें बेगूसराय जानेगा, और जब इंटीग्रेट होगा तो पूरा देश जानेगा। सोशल मीडिया एक सशक्त प्लेटफॉर्म है, ये उस पर भी डालेंगे तो पूरा विश्व जानेगा कि जीडी कॉलेज बेगूसराय में दिनकर सभागार के प्रांगण में वीरों को नमन किया गया। तो हम आपको भी सर धन्यवाद देते हैं, और एक मंगल कामना उन बच्चों के लिए। कौन कहता है कि बेगूसराय में बिहार की अंग्रेजी कमजोर होती है? ग्रेट एलोक्वेंस वॉज ग्रेट, सिलेक्शन ऑफ वर्ड वॉज ग्रेट। जिन बच्चों ने कहा अंग्रेजी में कहा, बेहतरीन कहा। आज हमें सबको गर्व होगा, मैं कह सकता हूँ कि हमारे यहाँ का एक्सेंट बेहतरीन है। हम अपने आप को बहुत अच्छे अच्छे जगहों पर प्रेजेंट कर सकते हैं। आप लोग खूब आगे बढ़िए, खूब तरक्की कीजिए। इसके साथ ही मैं समाप्त करना चाहूँगा, समय बहुत लिया, माफ़ी चाहूँगा। मैम ने मुझे पहले मौका नहीं दिया, इसलिए मैंने साथ ज़्यादा समय दिया। लेकिन आपके लिए बहुत कम समय दिया। कुछ लोगों के लिए माफ़ी बनी ही रहती है, उसी में से आप भी हैं।